नमस्कार, मैं आपको आज एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम सिखा रहा हूँ जिससे आप अपने आप को स्वस्थ बना लेंगे, अपने शरीर के अंगों को आराम पहुँचा देंगे और पूरे भारत को, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा देंगे। आपको आज के बाद करना क्या है, जब भी आप किसी शादी पे, पार्टी पे जाएं, किसी भी लंच पे जाएं या डिनर पे जाएं, आपको करना क्या, बड़ा सुंदर सा एक कैरी बैग बड़ा सा साथ में हाथ में लेके जाना है। करना क्या, उसको हाथ में लेके चलते रहना है। जैसे आप किसी भी स्टॉल पे गए कुछ भी खाने के लिए, जैसे शादी में हम एंटर होते हैं तो थैला मेरे हाथ में है। मैं पहले गया गोलगप्पे खाने, मैंने दो खाए, दो गोलगप्पे खाने हैं तो दो गोलगप्पे ही उस थैले में डालने हैं। अगले स्टॉल पे मैं गया, मैंने टिक्की खाई मान लिया तो टिक्की भी डाल ली उसमें, एज इट इज जो जो खाते जाओ सारा कुछ उस बैग में भरते रहना है। थोड़े देर आपने भल्ले खाए, पापड़ी खाई, जो खाया डाल दिया, फिर उसके बाद आप बैठ गए, कोई चीज़ टिक्के का पीस ले लिया, कोई कटलेट का पीस ले लिया, कोई चीज़ चिली का पीस ले लिया, जो जो ले रहे हो, एक टुकड़ा ले रहे हो एक टुकड़ा उधर डाल दो। फिर उसके थोड़ी देर बाद मान लो आपने कोई ना कोई वहाँ पे स्नैक्स और घूम रहे होंगे, कोई चाउमीन या कोई चिल्ला, कोई मान लो डोसा, कोई पिज़्ज़ा या बर्गर, जो भी वहाँ था, जितना मुँह में खाना है उतना ही उस थैले में बराबर मात्रा में डालते रहना है। जयमाला हो जाएगी या रिंग सेरेमनी हो जाएगी, फिर आप करोगे ना, उसके बाद स्टेप लोगे अगला, क्या खाने का टाइम आएगा। खाने के टाइम क्या करोगे, आप थोड़ी थोड़ी तीन चार सब्जियां लोगे, चपाती लोगे, चावल लोगे, कड़ी लोगे, सलाद लोगे, जो ले रहे हो वैसे ही प्लेट में लेना और वैसे ही एक प्लेट उसमें फिर डाल देना। अब खाना भी हो गया, फिर आप आइसक्रीम खाओगे या गुलाब जामुन या कोई हलवा या कोई मालपुआ या खीर या कस्टर्ड, जो भी वहाँ शादी पे हो वो भी आप खाओगे, वो भी उसमें डालना है। लास्ट में पान खाओगे आप तो पान भी उसमें डाल लेना है। अब आपने बॉडी में सब कुछ डाल लिया, उतना ही माल थैले में डाल लिया, अब आप घर आ गए, कभी ऐसे हो रहे हो, ओके हो रहे हो, सोखे हो रहे हो, कोई बात नहीं, बस आप उस थैले में ध्यान से एक बार देखिए, उसकी एक फ़ोटो खींचिए, इतना बड़ा थैला भरा हुआ दिखेगा आपको। अब आप सोचिए कि इतना कुछ ये इसमें दिख रहा है, इतना कुछ मेरे अंदर भी है। कोई बात नहीं, लीवर हमारा है, भगवान का दिया प्रसाद है, किडनी भी हमारी है, हार्ट भी हमारा है, रात को लगे रहेंगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के हजम करने में, कोई बात नहीं, आपको दिख तो जाएगा ना कम से कम मैंने खाया कितना। अब आप क्या करेंगे, घर में आके सो जाएंगे, अब उस थैले को भी घर में रख देंगे। अब जब सुबह आपको नींद खुलेगी, सब कुछ बॉडी में था और सब कुछ थैले में है, अब उस थैले को ध्यान से दोबारा देखना, उसकी हालत देखना क्या होगी, उसमें स्मेल आ रही होगी, सड़ा हुई गंध आ रही होगी, सारा सामान सड़ने लग गया होगा, रात को वहाँ पे कॉकरोच आ गए होंगे या कोई ना कोई मच्छर आ गए होंगे या कोई ना कोई कीड़े आ जाएंगे। मैं कहता हूँ एक दिन और पड़ा रहने देना, फिर आपको दिखेगा आपकी बॉडी में होता क्या है। यही वजह है आज भारत में किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को बीपी की गोली चल रही है, किसी को शुगर की गोली चल रही है, किसी को थायराइड की गोली चल रही है, क्योंकि हम खाते खाते और खाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक अभियान चलाते हैं कि हमने आज के बाद शादी में सोच समझ के खाना है, आराम से खाना है। पता, हजारों करोड़ों रुपए का अन्न बचेगा, भारत का खाना बचेगा, किसी भिखारी के काम आएगा। और आपको नहीं पता, आपके शरीर के जो अंग खराब हो रहे हैं, आपको पता है भारत की एवरेज एज आज 66 साल है, जापानियों की 84 है, सिंगापुर में 83 है, चाइना में 79 है, अमेरिका में 72 है, लेकिन आपको तो 66 साल में मरना है और वो भी बीमार होके। सभी को बोलिए कि आज के बाद जब भी किसी शादी पर जाएंगे, जब भी किसी पार्टी पर जाएंगे, जब भी कहीं खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे, उतना ही खाना अपने थैले में, बैग में भरेंगे, भर के लाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि हमारा लीवर कितना दर्द सहता है, हमारी किडनी पर कितना लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ आती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर घर में फैला दीजिए, हर मोबाइल में इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि ये भारत, ये विश्व हमारा है, हमें सबको स्वस्थ बनाना है। और हमारा तो शतायुपैथी का एक विज्ञान ही है कि हम सब भारतीयों को जीना सिखाएंगे और हंसना और खुश रहना सिखाएंगे। धन्यवाद।